हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजे क्लासेस। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने जो प्रीवियस वीडियो है वो अपना एंड किया था कंपनी की करैक्टरिस्टिक पर। ऑलरेडी मैंने दो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं कंपनी से रिलेटेड। आज हम आगे बात करेंगे। आपको मैं ना ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। जो बच्चे एम कॉम कर रहे हैं, ठीक है, और जिनके अभी अभी एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं सबका थोड़ा सा पैटर्न अलग हो सकता है। अगर आपके एग्ज़ाम हो गए, क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो आपके जिस सेमेस्टर में कंपनी लो लगता है आप सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो करिकुलम है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बेसिकली जो आपका एम कॉम में सेकेंड सेमेस्टर में सीलों का सब्जेक्ट लग जाता है वो डिपेंड करता है करिकुलम पर। तो आप जिस भी सेमेस्टर में हैं अपने पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज यूट्यूब आज के सिनेरियो में एक बहुत बड़ा सोर्स है आपका नॉलेज गेन करने के लिए, स्टडीज़ के लिए। एंड आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करती रहूँगी। अब मैं आपको लेक्चर्स कैसे प्रोवाइड करूँगी, क्या ड्यूरेशन रहेगा और वीक में किन डेज पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वो चीज़ आपको मालूम होना ज़रूरी है, जिससे कि आप अप टू डेट रहे। जो वीक के आपके फर्स्ट थ्री डेज रहेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वीक के फर्स्ट टू यानी पहले तीन दिन आपके जो सब्जेक्ट में लेकर चलूँगी, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी आपका एक एम कॉम का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाकी के रिमेनिंग आपके थ्री डेज रह गए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उसमें आपका मैं कराऊँगी सीलो। ठीक है, दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ सीलो से रिलेटेड, एंड इसके अलावा मैंने भी इसमें भी बहुत कुछ कराया हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। छोटा पैक बड़ा धमाका सीरीज़ है, और इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। ठीक है, अब बचा आपका संडे। जो आपका वीकेंड रहेगा उस पर मैं यूजीसी नेट में जो आपका यूनिट वन है पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट करूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कराऊंगी उससे रिलेटेड। ठीक है, बिकॉज ये दोनों यूनिट आपकी ऐसी है जिसमें आपको स्टैटिक चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए, लेकिन करंट में क्या हो रहा है इन चीज़ों से रिलेटेड वो भी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एंड जो जो भी आपको मैं टॉपिक कवर कराऊंगी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में सीलो में, वो आपका यूजीसी नेट अगर आप कभी तैयारी करते हो उसके उसमें तो आपका हेल्पफुल रहेगा डेफिनेटली। बट आपको मैं ये श्योरिटी दिलाती हूँ कि आप अगर उसको अच्छे से स्टडी करेंगे मेरे चैनल के थ्रू, नोट्स बनाएंगे, तो आपका पेपर भी बहुत स्कोरिंग हो सकता है। एंड इससे रिलेटेड डेली की क्विज़ मैं कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दूँगी, जिससे कि आप अपने आपको एनालाइज़ कर पाए कि आप कितने पानी में, एक तरीके से एनालाइज़ कर पाए कितना फ्लो में चल रहे हैं, कितना आपका जो फ्लो है वो बिगड़ गया है, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तो वो चीज़ आपको मालूम चलती रहेंगी और आप अपने आप को ट्यूनिंग में ला सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बेसिकली आज मुझे आपको सिर्फ यही बताना था। चलिए अब हम बात करते हैं। हमने 10 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कंपनी की करैक्टरिस्टिक में, अब हम बात करेंगे, आज से मैं दो ही पॉइंट डिस्कस करूँगी आपसे, आपका टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा। देन थर्सडे से मैं फिर वापस एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी सीलो का, फुल फ्लैग वीडियो रहेगी लिफ्टिंग द कॉरपोरेट वेल। ये आज के वीडियो में कराना सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये थर्सडे को जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें कराऊंगी। और जो रही ये वाली वीडियो की बात जिसमें आपसे दो पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, ये मैं आपके इन्हीं फर्स्ट थ्री डेज में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी इसलिए, और दो ही पॉइंट मुझे आपके इसमें डिस्कस करने हैं। पहला, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। देखिए, हमने बात ये करी थी कि कंपनी में कोई मेम्बर आ रहा है कोई मेम्बर जा रहा है, कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कंपनी है वो लॉ के थ्रू क्रिएट की गई है, लॉ के थ्रू वो चीज़ रिकग्नाइज्ड है। तो लॉ अगर एक कंपनी को क्रिएट कर सकती है तो वही लॉ उस कंपनी को टर्मिनेट भी कर सकता है, तो उसकी हम एग्जिस्टेंस को टर्मिनेट कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ लॉ ही कर सकता है। अगर वो कंपनी किसी भी तरीके से लॉ को नहीं मानती, उनके रूल्स रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करती, उनको पेनलाइज भी कर सकते हैं कंपनी को, और कंपनी की एग्जिस्टेंस को भी टर्मिनेट कर सकते हैं। देन आता है कंपनी इज़ नॉट अ सिटीज़न। जैसे हम है ह्यूमन बींग्स, हम सिटीज़न हैं, ठीक है, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, सो हम प्रॉपर एक सिटीज़न है, लेकिन कंपनी सिटीज़न नहीं है, बिकॉज कंपनी
का जो बर्थ है वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, जो लॉ ने क्रिएट किया है। तो कंपनी विदाउट एनी डाउट एक लीगल पर्सन है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन आर्टिकल 19 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर हमारी कंपनी सिटीजन नहीं है, इसके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है जैसे एक नॉर्मल सिटीजन के होते हैं। तो इसी तरीके से ये कंपनी को हम एज ए सिटीजन नहीं ले सकते, ठीक है। अब आपका आज का ये जो टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब वही लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वील आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आप दो मेरे चैनल पर विजिट कर कर आरजी क्लासेस पर, इससे रिलेटेड मैंने दो शॉर्ट्स अपलोड करे हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल से रिलेटेड, बहुत ईजी तरीके से 60 सेकेंड यानी एक मिनट का मैंने शॉर्ट अपलोड किया है। तो वहाँ पर जाके क्विकली क्विकली आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल कर सकती है। जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो मिलेंगे नए वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।